सितारगंज मीना बाजार में आज लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग टीम ने पुलिस बल के साथ बिस्टी चौराहे से लेकर मेन मार्केट तक अतिक्रमण की हद में आ रही दुकानों, मकान, होटल, इमारतों को चिन्हित किया। वहीं आपको बता दें कि यूसुफ अली तहसीलदार खटीमा के द्वारा कहा गया कि अगर किसी का मकान नियम अनुसार निर्माण किया गया है तो उसका निस्तारण किया जाएगा, पर प्रशासन की इस कार्रवाई को देखते हुए व्यापारी और भवन मालिकों में हड़कंप मच गया। इस कार्रवाई को देखकर व्यापारियों ने इसका विरोध भी किया। के आदेश के क्रम में एवं जिलाधिकारी महोदय के और उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में जो है ये चूड़ी बाजार का जो है चिन्हीकरण किया गया है। पहले हमने सेंटर से और दोनों तरफ जो है सेंटर से 33 फीट का जो है अतिक्रमण है उसमें हमने निशान लगाए जा रहे हैं। उसके लिए हमने 2-3 दिन का टाइम है इसके लिए, नहीं तो फिर जो है प्रशासन के द्वारा जो है इसकी मुआवजे के लिए देता है तो उसका बनाम है कुछ है तो उसको जो है प्रार्थना पत्र के साथ दे वो, और यदि लगता है कि उसका है तो उसका नियमानुसार जो है विधिक रूप से जो है निस्तारण किया जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक जो है जो मेन रोड सितारगंज अंदर शहर का है रोड है वहाँ तक है, जो भी हैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में जो भी हैं रोड हैं उनका सभी का चिन्हीकरण किया जाएगा, काम में दिया जाएगा। अगर वो नियमानुसार हैं, अगर सही बने हुए हैं नियमानुसार तो उसको लेके उसकी सुनवाई करते तब उसका नियम अनुसार कैसे बने हुए होंगे सर, यानी कि अगर किसी की रजिस्ट्री है या कुछ है तो उसको देखा जाएगा, देख के जो है उनसे निस्तारण करके उसका निस्तारण किया जाएगा।